हेलो हाय फ्रेंड्स, फिर से आप सबको स्वागत है हृदय सामाजिक चैनल पे। आज का जो ये अनियन दम का मसाला करी आप देख रहे हैं या अनियन कुर्मा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब तरीके से घर में आराम से कम इंग्रेडिएंट्स में आप लोग घर में बना के खा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ दो या तीन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि ऑनियन, ग्रीन मटर और कैप्सिकम। तो घर में ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अगर है तो ये लाजवाब अनियन कुर्मा या दम का अनियन आप घर में बना के जबरदस्त तरीके से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कंप्लीटली बने रहें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये लाजवाब तरीके से हम जो बनाए हैं आप वो बना के टेस्ट कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का स्पेशल और लाजवाब डिश का प्रोसेस। तो वीडियो को अभी एक इमीडिएटली लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने यहाँ पे 15 से 16 बहुत ही छोटे छोटे ऑनियंस लिया हूँ। तो चलिए इसे कट करते हैं। आप कुछ इस तरह कट करना, इसके ऊपर के हिस्से और उसके नीचे इनके पिछले के हिस्से दोनों साइड कट करने के बाद उसके साइड के छिलके निकाल दें और उसको रख दें। कुछ इस तरह ही पूरे ऑनियन को हम कट करेंगे। यहाँ पे पूरे ऑनियन को हमने छिलके निकाल के अच्छा से धो लिए हैं कट करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल और लाजवाब डिश का नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज के बाउल में हाफ बाउल यानी कि 200 ग्राम कॉल लिया हूँ। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं लाजवाब मसाले। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, साथ में यहाँ पे 1/2 स्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। कॉर्ड के साथ मसाले को अच्छा से मिक्स कर लेंगे, और एक कॉर्ड हम मसाले के हिसाब में यूज करेंगे, यानी कि जो भी आज लाजवाब स्पेशल डिश हम बना रहे हैं तो स्पेशल डिश का मसाला हम इसे ही यूज करने वाले हैं। तो कॉर्ड कहीं फट ना जाए, इसीलिए हमने कॉर्ड के साथ ये लाजवाब मसाले पूरे ऐड करके इसे अच्छा से मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए बाहर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉर्ड और मसाले का बैटर अच्छा से रेडी हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाजवाब और स्पेशल डिश का नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे मैंने 60-70 ग्राम ऑयल लिया हूँ। ऑयल अभी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 काली मिर्ची, थोड़ा सा दालचीनी, 2 इलायच वो ऐड कर दिया, और यहाँ पे 1/2 तेज़पत्ता उसे ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। इसे अच्छा से मिक्स कर लें और मैक्स टू मैक्स 30-40 सेकेंड इसे ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लें। यहाँ पे ऐड करते हैं जो ऑनियन को हमने अच्छा से कट करके छिलके निकाल के धो के रखे थे, इसे साथ मिक्स कर लेते हैं और मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम और हाई फ्लेम में आप इसे चलाते हुए फ्राई करते रहना। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हम कश्मीरी चिल्ली पाउडर यूज कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पे मैं 2 छोटे साइज के टमाटो को चिल्ली टाइप में कट करके यूज कर रहा हूँ। अगर आपको और बारीकी से कट करना है तो आप कट करके डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि टमाटो को हमें
100% बॉयल या 100% इसमें ग्रेवी जैसा बनाना नहीं है, इसे बस 70-80% बॉयल हुए जैसा पकाना है, ये ध्यान रखें। आप देख सकते हैं मसाला जो गार्लिक जिंजर पेस्ट है अभी ज़बरदस्त बन चुका है, खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रहा है। तो अभी हम इसे टमाटो को एक 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसाले के साथ भून लेते हैं, लेकिन उसे टमाटो को आप 70-80% पकाना है। 2 मिनट हम टमाटो को ऑनियन और जिंजर गार्लिक मसाले के साथ अच्छा से भून चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं ग्रीन पीस यानी कि ग्रीन मटर। इसे मिक्स करके हम और 1-1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ही हम इसे पका लें। बीच बीच में ध्यान रखें, बीच बीच में आप मसाले और ऑनियन और ग्रीन मटर को साइड चेंज करते रहें। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कैप्सिकम लिया हूँ, उसे मीडियम साइज में कट किया हूँ, उसे भी ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स करके मैक्स टू मैक्स 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। अभी तक का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब दिख रहा है और बहुत ही खुशबूदार है। अभी तक मैं आपको बता दूं ये बहुत ही टेस्टी रहने वाला है, खास करके ज्वार का रोटी और नान और तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ लाजवाब मज़ा लेके खा सकते हैं आप। तो घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं हमारे रेसिपी के साथ टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे मसाले के साथ ऑनियन कैप्सिकम और टमाटो अच्छा से पक चुके हैं, तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं जो लाजवाब मसाले हम बनाए थे कॉर्ड के साथ, उसे ऐड कर देते हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं और अभी फ्लेम को हम मीडियम और लो फ्लेम में रख के ही 2-3 मिनट और मैक्स टू मैक्स 4 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। साथ में ऐड करते हैं सबसे अहमियत और खास क्या है, सॉल्ट। आप आपके टेस्ट के हिसाब में डालें। अभी तक हम 2 मिनट तक इसे मीडियम और लो फ्लेम में पकाए थे, तो अभी हम फ्लेम को हाई कर देते हैं और इसे मैक्सिमम 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का स्पेशल और लाजवाब डिश दमदार अनियन मसाला अभी रेडी टू ईट है। तो हम अभी फ्लेम को बंद कर देते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कितना लाजवाब दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना है। तो डेफिनेटली आप लोग घर में एक बार ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं रेसिपी के साथ टेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का स्पेशल और लाजवाब डिश दमदार अनियन मसाला। तो डेफिनेटली घर में आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये बहुत ही इजी है और सिंपल है। घर में सिर्फ कम से कम इंग्रेडिएंट्स में आप आराम से बना के इसे खा सकते हैं मज़ेदार टेस्ट के साथ। तो डेफिनेटली घर में एक बार ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं हमारे रेसिपी के साथ टेस्ट के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ।
वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अनोखे तरीके से लाजवाब और स्पेशल डिश के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए मैं हृदयानंद आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू।